One person says, करोड़ रुपया आने वाला है, ये करोड़ रुपया लेबर का पास ही जाना है. हम ये हमेशा बोलता था, आपको बेनिफिशियरी कार्ड बनाओ, कार्ड बनाओ, कार्ड बनाओ. लेकिन जब मैं 2017 अगस्त में 14 तारीख को पी राम को ऊपर वाला का ब्लेसिंग, अभी जो मैंने थैंक्स दे दिया, सब लोग तालियां भी मार दिया, वो लोग का ब्लेसिंग से द्वारा आज कुर्सी में वापस आया. आने के बाद हम जो देखा है, हमको अभी ये बोर्ड को तरीका से हमको ले जाना, हम अभी जो प्लानिंग कर रहा है कि अभी अरुणाचल में कंस्ट्रक्शन बोर्ड 10 साल हो गया है, अभी तक हाउसिंग लोन नहीं हुआ. इसलिए मेरा ये सपना है कि हम दोबारा वापस आएगा अरुणाचल का मजदूर का जो घर बनाने के लिए जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है उसको हाउसिंग लोन हम देने के लिए प्लानिंग कर रहा है. हमने इस पर दो बार हमने मीटिंग किया है कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सरकार का साथ, सुप्रीम कोर्ट का साथ, मिनिस्ट्री का साथ, हमको इंफॉर्मेशन जो मैंडेटरी स्कीम को हम लोग इस पर ज्यादा जाएगा, जो कानून में है हम लोग उसमें ज्यादा जाएगा. तो एक नंबर जो है, 10 साल में हम तो चेयरमैन चला गया, 10 साल का अंदर अनिनी में आज तक पता नहीं चला. अनिनी में 7 सर्कल है, 7 सर्कल में आज तक कोई मालूम नहीं है कि वोट क्या चीज है, हम जा नहीं पाया. इसलिए मैं आते ही अनिनी में ऑफिसर भेजा है. अभी अनिनी में टाउन में 700 हमारा वर्कर्स को बेनिफिशियरी को मिल गया और बेनिफिट भी हम लोग दे रहा है. दूसरा पॉइंट हाउसिंग का बारे में हम इसलिए आप लोग को बताया है, हाउसिंग का इससे कानून इतना तगड़ा है, आप लोग ने यहाँ मेमोरेंडम भी दिया है. अब हम बोर्ड के चेयरमैन है इसलिए मंत्री साहब से हम थोड़ा उसका आधा बात को हम शेयर करना चाहता हूँ कि आप टोकी साहब का समय में 1,50,000 से 1,00,000 आप लोग को बढ़ा दिया था, लेकिन आज तक हाउसिंग लोन किसी को नहीं मिला. लेकिन उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लैंड डेवलपमेंट होना है, बैंक में थ्रो बैंक लोन देना है. अगर ऐसा है कि लेबर को हाउसिंग लोन नहीं मिल सकता है. हम कितना साल, 20-25 साल कितना सीएम लोग का साथ, कितना एमएलए मिनिस्टर का साथ काम किया है, लेकिन जाले सोनम का पास ही आज तक लैंड डेवलपमेंट नहीं है. लेबर का पास लैंड डेवलपमेंट कहां से होगा? इसलिए मैंने बोर्ड का एक पावरफुल होता है डिसीजन लेने का, बोर्ड मिनबार का, चाहे गलत हो चाहे चोरी भी करो, अगर अभी हमारा बोर्ड में 40-50 करोड़ पैसा है, ये किसका पैसा है? आप लोग का पैसा है, मेरा भी है ना, आप लोग का पैसा. इसलिए हमने बोर्ड में ये हमने बोर्ड को बोला, हमारा दारिंग साहब कमिश्नर साहब भी यहां में बैठा, वो मेंबर सेक्रेटरी भी है, इस बार 2018 में 1,000 लेबर को हाउसिंग लोन देगा कि मैंने हम लोग ने बोर्ड ने डिसाइड करके रखा है. अभी तक हम लोग गवर्नमेंट को नहीं बताया, इंफॉर्मेशन देने वाला है. क्यों बोलने से, बैंक वाला बोलता है हम देने नहीं सके. लेबर आदमी का 1,00,000 डाल लेगा बोर्ड से, 12% तू नहीं दे सकेगा. इसलिए हम लोग ने बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि हम लोन देगा कोर्ट एपिडेमिक ग्रांटर का साथ, रेगुलर ऑफिसर, एमएलए, मिनिस्टर, जिसका पास पैसा रुपया है, पीओ चौकीदार हो, जो रेगुलर है, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लो, अगर 1,00,000 के लिए अपना मजदूर के लिए अगर कोई ग्रांटर देता है उसको हम लोग 1,00,000 लोन 1,000 इस पर देगा, वो क्या हम लोग फैसला करके रखा है. ये होगा कि नहीं होगा सरकार को भी हम लोग बताने जा रहा है. दूसरा परसेंटेज लोन होने से तो आपको इंटरेस्ट को देना है, इसलिए हम लोग डिसाइड किया है कि लेबर आदमी वर्कर से हम 10% 5% लोन दे नहीं सकता है. इसलिए 1 साल का 1,00,000 का परसेंटेज 1% 1,000 ही होगा एक साल, 1% को तो लेबर दे सकता है. यह पॉलिसी प्रोग्राम मैंने बनाया है, काल में जले सोनम तुम गलत किया है, तुमको जेल जाना है, वो भी हम रेडी है, लेकिन लेबर का पैसा लेबर में ही जाना है. गलत होगा सही होगा वो मालूम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी हम बताएगा कि हम लोग लोन दे दिया है, दे दिया, लेकिन लोन तो लेने आपको वापस देना है, वो तो आपको वापस देना है.
दूसरा टूल एक्सपेंस हम लोग इस पर 1500 आदमी को टूल एक्सपेंस देगा, बाकी जो डिमांड्स है वो तो कंटिन्यू जारी है।